की गलियों में बच्चों में दहशत फैल गई है। ये आतंक किसी चोर, पुलिस वाले या भूत का नहीं बल्कि तड़कड़ताई की है। ज्येष्ठ मास में आषाढ़ी की अमावस्या को महिषासुर मर्दिनी तड़कड़ताई के भेष में दैत्य का वध करने के लिए नगर की रखवाली करने जाती है। आइए तो देखते हैं ये पूरी बात। सांगली शहर में शरीर पर साड़ी, चेहरे पर काला नकाब और हाथ में सूप लिए तड़कड़ताई दौड़ती है। ज्येष्ठ माह में सांगली भवई यात्रा में अमावस्या को जोगन्या का पर्व शुरू हो जाता है। भूतों की माता तड़कड़ताई ऐसा कहते हुए बच्चे उनका स्वागत करते हैं। जोगन्या उत्सव वरिष्ठ अमावस्या पर शाम 4 बजे शुरू होता है। कुम्हार परिवार को यह सम्मान प्राप्त है। सूप के हाथों में काली साड़ी पहनी जाती है और चेहरे को मास्क से सजाया जाता है। शाम 6 बजे तड़कड़ताई की शादी के लिए कुंभरखिंड सामरे गणपति सिटी हाई स्कूल से होते हुए हजारों की संख्या में युवा बूढ़े शादी खत्म होने के बाद वह उन बच्चों को सूप से प्रसाद देती है। यह परंपरा अब 21वीं सदी में देखी जा रही है। कुछ लोग इसे आस्था या अंधविश्वास कहते हैं। हालांकि सांगली का मूल निवासी दुनिया के कोने कोने में गया और उससे पूछा कि क्या वह कठोरता को जानता है। उसने तुरंत पहचान लिया कि पूछने वाला सांगली का है। इस तरह की प्रतिष्ठा अब इन सख्त ताई ने हासिल की है। तड़कड़ताईचा कार्यक्रम ज्येष्ठ आषाढ़ अमावस्याला सुरुवात होती आहे। जवळजवळ परंपरा ही आमच्या मुलग्याची सातवी पिढ आहे। आमच्या मुलग्याची सातवी पिढ आहे, आम्ही चालवत आलेलो आहे। हे तड़कड़ताईचं हे सात गावाला कार्यक्रम असतो। हे तड़कड़ताई फिरली की सुपाचा वारा फिरा जाते। सारा सर्व सुकाळात सगळं चांगलं सगळं व्यवस्थित होतंय। यावर्षी तर 2-3 वर्ष कोरोनामुळे मुलांना तड़कड़ताई भेटली नाही। जसं वाट चुकलेल्या कोकरावानी त्या मुलांना वाटा लागले। मला पण इतकं भरून यायला लागले त्या सर्व मुलांना बघून, त्यांचा हर्ष बघून, त्यांचा खुश बघून। तड़कड़ताई म्हणजे ही खुशीचा आनंद आहे।